अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइबा हेल्थ टिप्स। व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अमेजिंग होम रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, बहुत सी खवातीन ब्रेस्ट साइज बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करती हैं, जिनमें बहुत महंगे और तकलीफ देह तरीके भी इस्तेमाल किए जाते हैं। मसलन सर्जरी एक महंगा और ख़तरनाक तरीका है, यानी इसकी मुज़र असरात ज़्यादा हैं और फवायद में निस्बतन कम मौसर साबित होता है। इसलिए आम दर्जे और दीगर ख़वातीन सर्जरी जैसे तकलीफ़ दे अमल से गुरेज करती हैं। ब्रेस्ट साइज़ की बढ़ोतरी का दारोमदार उम्र और सेहत पर मुनसर होता है, लेकिन बास ख़वातीन हार्मोन की कमी और ज़्यादती और गैर तसली बख्श सेहत भी ब्रेस्ट की नशनुमा पर असरानंदाज होती है। अगर आप बग़ैर सर्जरी और लेज़र के अपने ब्रेस्ट को पुरकशिश बनाना चाहती हैं तो आपको अपनी मुकम्मल सेहत के लिए वक्त देना होगा, जिसके लिए आप अपनी खुराक और मायारी और मुतवज़न सूरत में तरतीब दें। ये आपकी मुकम्मल सेहत और फिटनेस में अहम किरदार अदा करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, पर इसके पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए एवरी लेटेस्ट ब्यूटी अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए। अच्छी और मयारी खुराक के साथ साथ बाकायदा तौर पर वर्जिश को अपना मामूल बनाया जाए और हो सके तो किसी जिम या क्लब में मखसूस चेस्ट एक्सरसाइज की जाए। इससे आपकी छाती के मसल्स मजबूत होंगे और बेहतर तौर पर नशनुमा पा सकेंगे। बास खवातीन का बलोगत के इब्तिदा में ही हार्मोन के मसाइल पेश आ जाते हैं और मखसूस हार्मोन जिसे एस्ट्रोजन कहते हैं अपना काम सरंजाम नहीं दे सकते और ख़वातीन की ब्रेस्ट बढ़ाना रोक जाते हैं। इसके लिए मार्केट में बहुत सी कुदरती सप्लीमेंट दस्तियाब है जिनमें एस्ट्रोजन मौजूद होता है। इसके इस्तेमाल से मुनासिब तौर पर ब्रेस्ट को पुरकशिश बनाया जा सकता है। इलावा जी हैज के दौरान पेचीदगी की सूरत में हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन की कुदरती अमल में खलल पैदा हो जाते हैं और ये हार्मोन बाकायदगी से ओवरीज और मेमरी ग्लैंड को मुतहरक नहीं कर पाता, जिससे अज़ाए मखसूसा की नशनुमा मुतासिर होती हैं। इसलिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन में मबनी अद्वियात डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करें। ये जरिया बैरूनी इस्तेमाल के लिए मौसर साबित होती है और इनके इस्तेमाल से बेहतर तौर पर ब्रेस्ट को नुमाया किया जा सकता है। अगर आप चाहती है कि बग़ैर किसी डॉक्टर और दवाई के अपने पस्तान का साइज बढ़ाएँ और इसके साथ साथ पस्तान सख्त भी हो जाए, तो इमली का पानी आपके लिए बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है। दिन में दो बार इमली का पानी पीने से एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको नतीजा मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप पानी नहीं पी सकते तो वैसी ही इमली का इस्तेमाल कर सकती हैं, सिर्फ एक हफ्ते इस्तेमाल करें। तो व्यूवर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।